पानी का कैसा व्यवस्था था मैम? एक बाथरूम में हमारा है और बस एक में नहीं है, वॉश बेसिन में भी नहीं आ रहा। हाँ, वॉश बेसिन में तो आ ही नहीं रहा, ऊपर है पानी नहीं है, नहीं आ रहा है पानी। रात 12 बजे तक मैंने वेट किया पानी का, ठीक है, और अब 2:30 बजे आकर के देखा, चेक किया, ओपन किया शौचालय को, तब भी पानी नहीं। ये यकीनन बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर इस पर काम करना चाहिए। जैसे ये भाई बोल रहे हैं, हम कंप्लेंट कर करके मैं थक गया, लेकिन इस पर कुछ हो नहीं रहा है। हाथ भर लखाया, चाय पीने के पूछ गया, ठंडी हुई। अच्छा, चाय भी पिलाया, देखो चाय भी पिलाया, पैर गर्म भी किए, है ना। अच्छा, एक और यात्री लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी यूज करना है उसको कीजिए, बट टूटी को ओपन करके ना जाइए। दादी के दांत गुम हो गई थी कल, दादी गुम हो गई थी, वो घोड़े वाले ने नीचे निकले, नंतर ऊपर आई, वो टेंट लिया, उन्होंने इसलिए टेंट। अच्छा, आपने ही ले लिया, क्या बात, अकेले बहादुर दादी फ्रॉम महाराष्ट्र। वो गिर गई थी। ओहो, तो आपने रात से ढूंढा नहीं था? हाँ, 4 बजे तक ढूंढा। अच्छा, सुबह 4 बजे तक, 5-6 बजे तक हम टेंट में रह गए, फिर 6 बजे में यहाँ आई थी, यहाँ वो यहाँ दिख गई मुझे। अरे बाप रे, एक बड़े लोग महंगाई के लिए बोल रहे हैं, उसमें कुछ सोच नहीं। अब जब इतनी ऊपर अगर सामान आएगा वो लेके आ रहे, तो महंगाई तो अपने आप हो जाएगी। प्रणाम, नमस्कार आप सबको। आज एक बार खुशनुमा खूबसूरत सी सुबह के साथ आपको जोड़े चल रहे हैं केदारनाथ धाम से। दरअसल अर्ली मॉर्निंग जब भी हर कोई उठता है तो सबसे पहले सोचता है कि भैया यार बाथरूम जाना है। और एक चीज यहाँ पर बड़ी गजब की है, ये सुलभ शौचालय बहुत शानदार बने हुए, और निसंदेह इसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो तब तकरीबन 13-14 कुल बाथरूम थे केदारनाथ में, उनका लेकिन मेंटेनेंस नहीं था। यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए लड़के भी हैं, लेकिन अब पानी नहीं है, यानी कि पानी की जो समस्या है वो केवल आपके घरों में नहीं, केदारनाथ में जो बाथरूम है उनमें भी है। यहाँ पर किस तरह से लोग बाथरूम जा रहे हैं ये एक बड़ा विषय है। यहाँ पर एक नल है जिसमें से कि जल भरा जा रहा है, और जो ये आपके सफाई कर्मचारी हैं वो ही भर रहे। कब से नहीं आ रहा है पानी? 6:30 बजे से। 6:30 बजे? 6:30 बजे चालू हुआ था ना। 6:30 बजे शुरू, इधर दे जाओ। 6:30 बजे क्या था चालू हुआ ना पानी धीरे धीरे? ये वाला या वो वाला? ये वाला। टैंक क्यों खाली है? टैंक में सर पानी जब यहाँ कम आया तो ऊपर भी कम आया, आना चढ़ेगा ना पानी, फिर पानी तो कम चढ़ेगा जब नीचे कम है। अब पहले सर बनाते जब टैंक में चढ़ रहा है पानी। नहीं तो अभी मैं ये देख रहा हूँ, कल शाम को ये बंद हो गया था, ताला लगा हुआ था, आज अभी तक बंद है वो बाथरूम मेन वाला। उसका मुझे नहीं पता, मुझे इसका पता है, मैं लेडीज वाले पे हूँ। लेडीज वाले में कितने ऑपरेटिव हो रहे हैं? वहाँ भी लाइन लगी हुई है जी। कितने काम हो रहे हैं उसमें? कम से कम इतना तो मुझे। इस चीज को कौन देखता है? मुझे नहीं पता, मैं तो नया हूँ लड़का। नए हैं ये, शायद सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर देखते हैं। मेरे भाई जी सर, कौन देखता है इसको? इन टॉयलेट को? हाँ। इनकी देखरेख मैं करता हूँ। आप करते हैं जी। तो पानी की क्या समस्या, कभी किसी को बताया नहीं आपने इस बारे में? कंटिन्यू कंप्लेंट चलती है। कंटिन्यू कंप्लेंट जी, जी। कितने दिन से ये? वैसे तो रात से नहीं आ रहा, रात ही कंप्लेंट कर दी थी। ठीक है, किसको करा आपने? सेक्टर अधिकारी को। सेक्टर मजिस्ट्रेट कौन है यहाँ पे? एक मिनट, कहाँ गई है सर? क्या नाम है आप लोग? हाँ, घोड़ा वालों में। हाँ, अभी सुबह से आया, अभी सवारी नहीं हो रहा, होगा हो सवारी? अच्छा, सवारी नहीं, अभी नहीं हुआ सवारी। कहाँ हम? गुप्तकाशी। गुप्तकाशी के जगह काल में था। ए बाबा, कदा किन खचर? हम खचर दिन 3। अच्छा, कंचर नहीं याद रहा? ठीक है, चल अभी फ्रेश फ्रेश बेगिन तुम? अभी फ्रेश हो गए, कोई मुकुट भी नहीं लेना सवेरे, ना अपना सब नहीं करना। हां, और कदा देर में मोड़ा फ्रेश? अब जगह अभी गोरकुंज वाला। हाँ, ना सुन तो को देखो फ्रेश फ्रेश बोल। चलो, पर ये समस्या है यहाँ पर, और ये चौहान करके हैं। आप लोग, पानी का कैसा व्यवस्था था मैम? अंदर एक बाथरूम में हमारा है और बस एक में नहीं है, वॉश बेसिन में भी नहीं आ रहा। हाँ, वॉश बेसिन में तो आ ही नहीं रहा, ऊपर है पानी नहीं है, तो नहीं आ रहा है। यहाँ तो बड़ी बड़ी हेल्प मिल रही है, हम औरतों की उतनी हेल्प कर रहे हैं लेडीज की। बहुत अच्छी, मैं देख भी रहा हूँ, ये लगातार लगे हुए परिश्रम करने पर। पॉइंट ये है, ये गलती इनकी नहीं है, गलती कहाँ से हो रही है? आई अंडरस्टैंड आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे, पर शायद एक अगर बड़ा टैंक बनाया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। और ये ऐसा नहीं कि केवल आज के लिए है, आने वाले पूरे 6 महीने ये हमेशा ही किल्लत रहेगी। जहां तक भीड़ की बात करें तो आप देखिएगा, लगातार तांता लगा हुआ है।
कितने लोग सुबह इस्तेमाल करते होंगे तकरीबन इसको? समथिंग 1-2 हजार तो करते ही करते हैं। 2-1 हजार लोग है ना, तो 2-1 हजार लोगों के लिए अगर हम 10 से 1 लीटर भी बात करें पानी की, तो कम से कम इतना पानी तो होना चाहिए आपके पास यहाँ सर? रहता है लेकिन 10 लीटर 10 लीटर एक आदमी के लिए, केवल फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए नहीं? नहीं नहीं नहीं, फ्रेश होने के लिए तो 5 लीटर भी बहुत रहता है, लेकिन कंटिन्यू पानी आए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं रात 12 बजे से, क्योंकि स्थानीय जितने हैं यहाँ पर, इनकी शॉप्स भी है, लोग यहाँ पर रुकते भी हैं, पीछे कैंप साइट है, और अगर यहाँ पर व्यवस्था इस तरह से लचर रही तो यकीनन दिक्कत होती होगी, और सब आपको ही आके बोलेंगे? मुझे ही आके बोलेंगे, इसी वजह से मैंने, जब ज्यादा गंदा हो चुका ना वहाँ पर, क्योंकि सर यात्री लोग मुझे सुनाते कि गंदा हो रखा है, सफाई करो, अब पानी नहीं रहेगा तो मैं सफाई कहाँ से करूँ? अब जो मेरे से हो सकता है मैं उस वो बराबर करता हूँ। कितने बाथरूम बने इसमें? अंदर 2 वेस्टर्न है, इंग्लिश सीट और 4 इंडियन। अच्छा जी, इन सब में ये दिक्कत? हाँ जी, समझिएगा आप। और ये ऐसा नहीं कि अब मुझे लगता है हर 20-25-50 मीटर पे बने हुए बाथरूम, अब हर 50 मीटर 100 मीटर पर, हर जगह ये दिक्कत है? नहीं, हर जगह तो कुछ बोल नहीं सकता सर। नीचे मैं वहाँ पर पानी चल रहा है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत सही कर रहे हैं, लेडीज हो गए लेकर नहीं, जेंट्स तो कहीं भी जा सकता है, लेडीज कहाँ जाए? कहीं कहाँ जा सकते हैं? केदारनाथ में हमारे मोदी जी बोलते हैं कि भैया खुले में शौच नहीं करना चाहिए, अब बताओ प्रधानमंत्री को भी ये बोलना पड़ रहा है? ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ऊपर से हम केदारनाथ धाम में है तो बाहर तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए। और मैं खुद यात्रियों से बोलता हूँ, जब यहाँ पर गंदा देखता हूँ यात्रियों को खुद बोलता हूँ, भैया नीचे में टॉयलेट है उसको यूज कीजिए। नीचे वाले भी तो बहुत गंदे रहते हैं, वो तो सफाई भी नहीं होती। वहाँ पर लड़का दूसरा है सर, वहाँ पर दूसरे लड़के की ड्यूटी रहती है ना। चलिए, हमने अंदर तो जाके नहीं देखा क्या कुछ है। आप यहाँ पर स्थानीय है भाई? बाहर गए? क्या वॉशरूम हुआ है? वॉशरूम क्या सर? बाथरूम हुआ है? हाँ हुआ है। पानी वानी की क्या व्यवस्था रहती है? थोड़ा कम ही रहती है, सुबह किसी किसी टाइम कम रहती है, किसी किसी टाइम कम रहता है जी। तुम कहाँ दिन? ठीक है, ये की क्या जगह? बांगर तारकुड़ी। बांगर है ना, चल। हाँ क्या है? टेंट उनकी व्यवस्था भी कम ही है यहाँ, पर्चिया तो बांट ली बहुत सारी पर टेंट की व्यवस्था कहाँ है यहाँ? नहीं है, उस पर भी आएंगे, ये एक अलग टॉपिक था, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर बात करने का हमारा विचार है जब हम केदारनाथ में हैं। एक टॉपिक हम इस तरह से चलेंगे कि केदारनाथ भी कुछ कहना चाहती है धरती, लेकिन क्या कहे, किससे कहे, क्योंकि सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर हमने कल मंदिर प्रांगण की बात की तो आज 11 बजे करीबन हम मंदिर प्रांगण में जाएंगे, जहां पर व्यापारी हमें मिलने वाला है, व्यापारी वर्ग। और व्यापारी वर्ग को सांत्वना तो मिल गई है कि भैया आप ठीक है, अपना काम करते रहो, पर आखिर कब तक? क्योंकि उनकी दुकानें, उनके मकान काफी हद तक ध्वस्त हो रखे हैं। जो ये बात कर रहे थे अभी, ये ऊपर से हैली जा रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से चलने शुरू हो गया। हर कोई काम तो कर रहा है, लेकिन अव्यवस्थाएं क्यों हो रही है वो एक बड़ी बात है। मुझे पता है, जो मैंने पहले भी कहा है, कि जिला प्रशासन लगातार अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन पीछे से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं तो हूं कि हर कोई खाना खाए, लेकिन अगर खाना खिलाने वालों के पास पैसे ना हो तो वो कहां से खाना खिलाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो शायद इस पर भी काम होना चाहिए। मंदिर में कौन कौन सी अनियमितताएं हो रही हैं जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम इसी धरती के बासिंदे हैं, इसी उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले के हैं हम। हम चाहते हैं जो भी ये गेस्ट आ रहे हैं, ये श्रद्धालु जो आ रहे हैं, ये हमारे मेहमान भी हैं और साथ के साथ श्रद्धालु भी। अगर आज हम इनको अच्छी आस्था के साथ वापस भेजते हैं, इनके दिमाग में कोई नेगेटिव कमेंट ना आए, सोचिएगा सुबह सुबह अगर बाथरूम का दरवाजा बंद मिलेगा क्योंकि पानी नहीं है, तो यकीनन वहीं से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। एक छोटी सी पहल है, शायद बहुत अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि ये बनाया बहुत अच्छा गया है। अब इसका मेंटेनेंस, क्योंकि पानी की वजह से अगर नहीं हो पा रहा है तो वो यकीनन थोड़ा सा दूसरा अपने तो है। जी मैम, कुछ कह रहे हैं आप? इसी मैं एक्चुअली लाइव हूं, तो अगर कुछ कहना। मोबाइल घूम गया है। हाँ, और अभी यहाँ पर ना हम लोग ऊपर पूछा तो वो बोलते हैं आप नीचे जाइए, यहाँ बोलते हैं वो 100 मीटर पर जाइए, 200 मीटर पे, बट यहाँ पर कोई चौकी नहीं, यहाँ पे हम कंप्लेन कर पाए। अच्छा, चौकी नहीं है यहाँ पे, चौकी पर हम कल रात को हम बोट ट्रैक किए, बट बंद थी वहाँ पे, मिला नहीं हमें। बंद जा रहा है? फोन चालू था, रिंगिंग हो रही थी इवनिंग में, बट अभी स्विच ऑफ कर दिया उस बंदे ने। अच्छा, उसके पास मोबाइल है। ये थोड़ा सा होता क्या है, भीड़ ज्यादा है तो लोग कहते हैं ना कि आप हेल्प के लिए, मेबी लाइक आप चौकी में जाके, यहाँ ऊपर चौकी है केदारनाथ में, आप सोचो ना यहाँ से ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर बोलते हैं बहुत ट्राई किया ऊपर, हम लोग ऊपर ही थे हम लोग ऊपर, बट हमें पुलिस वाले ने बताया कि यहाँ पर हमें कोई चौकी मिली नहीं वहाँ पे। आप अभी नीचे जा रहे हैं तो आप ये काम गौरीकुंड पे चले जाइए, गौरीकुंड चौकी में भी आप ये काम करवा सकते हैं, है ना।
वहाँ पे SI मिल जाएंगे। जो ही आप नीचे पहुँचते हैं गेट पे, वहीं पे उनको बता दीजिएगा कि जी ऐसी ऐसी व्यवस्था थी और वहाँ पर हमारी लिखवाई नहीं की कंप्लेंट, तो आप प्लीज वो शायद ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। और जब भी आप लोग भी आए, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है और लोग बहुत होते हैं, तो थोड़ा अपने सामान का स्वयं, क्योंकि हमें एक चीज जरूर है, हम बहुत जल्दी आरोप तो लगा देते हैं, पर समझिएगा हर व्यक्ति के पास दो हाथ है दो कान है, आपके पास भी वही है, तो शायद अगर हम थोड़ा अपना प्रयास करें तो सुचारू और अच्छे से कर सकते हैं। और यात्रा व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, बहुत ज्यादा उसमें अप डाउन नहीं है, कुछ कुछ चीजों को लेकर लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये पानी की व्यवस्था, अगर इस पर मुझे लगता है कोई परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि एक और चीज मैं देख रहा हूं जो मैंने इनको भी दिखाई है, अब यहां से पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, पर ऊपर दो पाइप का झरना है जो टूट चुका है। ये कब टूटा सर पता नहीं, वहां पर नहीं जाते हम लोग, वहां पर नहीं जाते, पर ये किसी को शिकायत तो करोगे इसके बारे में? पानी का हमने कंटिन्यू सेक्टर अधिकारी को और जल निगम को भी कंटिन्यू कंप्लेंट कर रखी है सर, हमसे जो बनता है यात्रियों के लिए वो सेवा में हम लगे रहते हैं। समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, देखिए हर व्यक्ति यहाँ पर जो आ रहा है वो सेवा भाव से अपनी सेवाएं दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि इन चीजों को सुधारा जा सकता है फॉर अ बेटर थिंग। अब ताई प्रणाम, नमस्कार, कहाँ से आए आप? यूपी देहात से। बाथरूम हो आए? पानी का व्यवस्था कैसे किया? अच्छी। कैसे किया? अच्छी किया। कैसे किया? पानी आ रहा है उसमें? आ रहा है। चलो तो ये धीरे धीरे जो चीजें हैं इनको परिवर्तित, यहाँ कब करोगे ठीक सर? अब मैंने 5 मिनट लॉक किया था ना उसको, मतलब स्टॉप किया था, तो थोड़ा पानी का प्रेशर बना है तो अब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपनी, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोई जो चीज है उसको दिखाया जा सके ताकि उस पर नजर पड़े, प्रशासन की भी, जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निशंदेह मैं कह रहा हूं ना, उनकी तरफ से प्रयास निरंतर हो रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास और अच्छे तेजी से अगर सरकार भी साथ दे, तो कितना सरकार और जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस पे कंपैरिजन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिला प्रशासन के पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको वो करना तो चाहते हैं लेकिन सरकार की वजह से नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक तरफ देखिएगा आज इलेक्शन का दिन भी है, आज तकरीबन 1717 सांसदों के लिए वोट डाला जाना है, तकरीबन 96 अलग अलग जगह पर, और ये तमाम चीजें होंगी उस पर भी नजर बनी रहेगी, 96 सीटों पर होना है, तो ये तमाम चीजें जितनी भी होनी है वो हम देखते रहेंगे। पर ये केदारनाथ घाटी एक बार मैं आपको दिखा दूं, बर्फबारी क्या शानदार, कल बर्फ गिरी है यहाँ और जो चीजें हुई है वो यकीनन शानदार। तो चलिएगा, जहां तक भी ये वीडियो पहुंची है जिन्होंने भी देखा है उनको मैं बता दूं कि भैया थोड़ा सा पानी की व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ रखें, और टैंक कितने 500 लीटर के लगे हुए हैं, 500 लीटर में कितना हो जाएगा? 500 लीटर नहीं, 750 लीटर का है सर, 750 का ठीक है। हाँ जी, 1000 लीटर का, 2 1500 हो गए ना? जी जी, नहीं 1000 लीटर का, 1000 750। जी जी, तो कितना देर तक चल जाता है वो सर? अगर पानी कंटिन्यू चले ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इशू नहीं आता। अच्छा जी, तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं सुलभ शौचालय, इसकी मेंटेनेंस आपके है, इसका जो खर्चा पानी है वो भी आप ही ले रहे हो? नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पैसे लेने हैं। अच्छा ठीक है, अपनी तरफ से तो फ्री सेवा है। अच्छा सेवा है, चलिए, क्योंकि जो अपने को ऊपर से आदेश है वही अपना उसी का पालन कर रहे हैं ना। और कोई दिक्कत परेशानी तो? एक और यात्री लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी यूज करना है उसको कीजिए, बट टूटी को ओपन करके नहीं ना जाइए। ये सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपने घरों में भी तो यूज करते हैं क्या, अपने घर में? क्योंकि कोई भी हमारी आदत हो गई है ये, हम सार्वजनिक चीजों को समझते हैं कि ये सार्वजनिक है, इसको कहीं भी डाल दो, चाहे कूड़ा डाल रहे हैं बॉटल, ये बहुत सफाई में मेहनत लगती है इन लोगों को, ये सुबह से लेकर शाम तक मैं देख रहा हूँ झाड़ू लगा रहे हैं, ये अलग अलग जगह पे जाके पीछे में देख रहा था कट्टों पे भर भर के वो बीन्स उठा रहे हैं, तो ये मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा जो भी लोग आ रहे हैं, इतनी दूर आप आ रहे हैं यानी कि पढ़े लिखे भी हैं, तो पढ़े लिखों के जैसे आपको व्यवस्था भी करनी चाहिए, बाथरूम जा रहे हैं तो आपको घर के जैसे इस्तेमाल कीजिए, जैसे आपके अपने घर पर करते हैं, टैप बंद कर दिया, अगर आप वेस्टर्न पर बैठे हैं तो सीट उठा दी, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अगली बार अंदर जाएंगे कोई और तो उसको बुरा ना लगे, वो आपको ना बुरा बोले, और यही चीज अगर हर व्यक्ति समझे तो मुझे लगता है सफाई भी होगी। क्यों, जो कचरा भी होता है अगर डस्टबिन भी नहीं मिले यात्री को तो हर पॉइंट पर लड़का सफाई वाला रहता है, बिल्कुल उसको दे दो,
बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। और ये वाकई ये है, ये चीजें जो बोल रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी भी व्यवस्थाएं अब होनी चाहिए उतनी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर और उस पे चीजें हम भी ध्यान दें तो कभी सहयोग मिल जाएगा, तो ये इतना पावन स्थल है, ठीक है, और ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता चलूं, ये भाई है एक यहाँ पर, ये लगातार जितने भी लोग हैं उनके फोन चार्ज किए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो गई जी। यात्रा कैसा रहा? बहुत अच्छा। कहाँ से आए थे? परभणी। परभणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाय क्या बात है, दादी भी आई है, प्रणाम। कैसा हुआ है दर्शन? मराठी हिंदी नहीं। कैसा झालं दर्शन? छान छान है। हाँ खूब मजा। खूब मजा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी पैदल जा रहे हैं आप? नहीं, टेंट में जा रहे हैं। अच्छा टेंट में जा रहे हैं। टेंट कैसे हैं? बहुत अच्छा। अभी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? अभी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सोया खूब। अभी वापस जाके सोओगे? नहीं, कितने बजे गए थे दर्शन को? अभी दर्शन नहीं हुए। अभी कहाँ से आ रहे हैं? बैठे थे। अच्छा धूप में बैठे थे। धूप अच्छी आ रही है? दादी बहुत खुश है, लेकिन दादी के दांत गुम हो गई थी कल। दादी गुम हो गई? वो घोड़े वाले ने नीचे छोड़ा, ये नंतर ऊपर आई हो, वो टेंट लिया उन्हें, उन्होंने लिया टेंट। अच्छा आपने ही ले लिया? क्या बात, अकेले। बहादुर दादी फ्रॉम महाराष्ट्र। वो गिर गई थी। ओहो, गिरने के बाद भी वो उठकर चली और यहाँ टेंट में रह गई। क्या बात, सुबह उसके पैसे दे दिए, यहाँ जा रही थी। तो आपने रात से ढूंढा नहीं था? हाँ, 4 बजे तक ढूंढा। अच्छा, सुबह 4 बजे तक, 5-6 बजे तक हम टेंट में रह गए, फिर 6 बजे में यहाँ आई थी। यहाँ वो यहाँ दिख गई मुझे। अरे बाप रे, तो आपके पास फोन नहीं था? नहीं, बटवा। एक मैं चीज बता दूं, जितने भी यात्री आ रहे हैं, खासकर हमारी जो मातृशक्ति है, देखिए कितनी शक्तिशाली है, रात भर रही अकेले लेकिन डरी नहीं। और वैसे देवभूमि में जहाँ जाएंगे ना आप, आपको सब अच्छे लोग मिलेंगे। अच्छे लोग हैं। अच्छे जो लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, अरे भाई साहब 100 रुपए की पानी मिल रहा है, मैगी मिल रहा है। अरे यहाँ पर खच्चर 3200 रुपए ले रहा है भैया। अगर किसी होटल में जा रहे हो, पिज्जा बड़ा खा रहे हो आप 1000 रुपए का, 1200, वहाँ तो कंप्लेन नहीं कर रहे। बहुत ठहर रखा, हाथ भर लिखाया, पाँव पर चाय पीने के पूछ गया, ठंडी हुई। अच्छा चाय भी पिलाया, देखो चाय भी पिलाया, पैर गरम भी किए, है ना। अच्छा सो गई। बहुत अच्छा, चलो मिल गए पहले तो, नहीं तो अभी चलो। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम तारकेश्वर सिंह हुआ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और हम लोग बहुत सारे धाम पर जाते आते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धाम पर सबसे रद्दी व्यवस्था मिली। अच्छा, इतने सारे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते, एक भी सरकारी स्तर का कहे पर कोई न कैंप था, न कुछ था, न कोई करंट कैंप, जैसे रात में ठहरने के लिए, बैठने के लिए, रेस्ट के। सर एक भी कैंप नहीं है सर, किसी का दुकान में आप जाके बैठेगा, कोई नहीं बैठने देते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखिएगा, ये जगह होनी चाहिए सर। जो मैं जो बोल रहा था कि जिला प्रशासन और सरकार के बीच में सामंजस्य कहाँ, शायद जिला प्रशासन ये सोचता है बनाना है, पर सरकार उसके लिए फंडिंग कैसे करे। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो हम सारे धाम में गए हैं, सब जगह, जो बाबा धाम जाइए, कहीं जाए, वैष्णो देवी जाइए, सब जगह पर स्पेशल बस था, लेकिन सारे जगह पर के बावजूद इस जगह पर जो है उत्तराखंड में, और ये केदारनाथ बद्रीनाथ है सर, तुम्हें पता ही नहीं कौन धाम में जा रहे हो? बद्रीनाथ भाई, केदारनाथ। केदारनाथ की व्यवस्था सबसे रद्दी मिला। एक चीज बताओ, तुम रद्दी बता रहे हो, तुम्हें ये तो पता नहीं तुम वहाँ धाम कौन से आए हो? ठीक बात है, मान लेते हैं हमको तो दोनों धाम में जाना है, लेकिन जो इस जगह पर जा रहे हैं पहले किसी में चले, तो पता होना चाहिए ना सर। ठीक है सर, लेकिन इस पे है क्या, सबकी आस्था है सर, एक भी व्यवस्था पब्लिक के लिए सरकारी तौर पर नहीं की गई, कोई ऐसा विधि व्यवस्था नहीं था जिसमें कि लोग बैठ सके, उठ सके, आराम करे, रेस्ट कर सके, लंबी दूरी तय करना पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारी चीजें। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, काफी हद तक जो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि बैठे की शेडिंग या फिर कहीं पर अलाव लगे हो, पर यहाँ पर लकड़ी नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें के मौसम है, जबकि सरकार खुद कहती है, वीडियो यूट्यूब पर देखा जाए कि यूट्यूब पर कहती है कि इतना इतना व्यवस्था करे, ग्लोव पहने, पूरा ठंडे का ये ले, लेकिन ठंडी की क्या व्यवस्था रखी गई, इतनी ठंड थी जिसमें कि सजी आदमी कांप उठा, कहीं पर कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, लोग कहाँ ठहरेंगे। कितने बजे पहुंचे रात? रात में हम तो सजी चल रहे थे, सजी आपको 11 बजे से चल रहे थे, 11 बजे गौरीकुंड से चले। नहीं, हम जैसे कि सफर अपनी यहाँ पर कर रहे थे 8 बजे से, 8 बजे से चल रहा। आप लोग कहाँ से आए?
हम राजस्थान से। क्या बात है, राजस्थान, रॉयल राजस्थान, रॉयल राजस्थान। खाटू नगरी से आए हम, खाटू, खाटू श्याम की नगरी से आए हैं। तो कैसा लगा यहाँ के? अच्छा लगा। अच्छा। और ऐसा सौंदर्य, भावपूर्ण सौंदर्य, ऐसे मन को मोहने वाला कि हर बार यहीं आए। और महीने शानदार पिक्चर भी आ रही है, देखो सामने हो आप, सामने से कैमरा और पीछे शानदार हिमालय दिख रहा है, पूरा चांदी के जैसा दिख रहा है पूरा। दर्शन अच्छा हुआ, एकदम अच्छा हुआ सर। बस खाली वो रजिस्ट्रेशन वाला वो लफड़ा हो गया। क्या हो गया? वो उधर कर रहे थे ना रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में, उधर रजिस्ट्रेशन किया, दो दिन हो गया हमारा उधर। अच्छा। फिर इधर रजिस्ट्रेशन को चेक ही नहीं कर रहा। अच्छा, चेकिंग ही नहीं हो रहा? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। हमारा दो दिन बर्बाद हो गया उधर, दो दिन बर्बाद हो गया, लेकिन इधर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा बिल्कुल, कोई चेक। मतलब इनका कहना क्या नहीं हुआ क्या, वहाँ से जब भी भेजेंगे ना कि रजिस्ट्रेशन किया नहीं किया तो तब आगे, तो उन्होंने वो स्क्रीनिंग कर दिया कि हाँ आप अब भाई, हाँ बाई चांस आपका चेकिंग नहीं हुआ। चेकिंग तो ठीक है ना, आप पोल्यूशन कटाते हो गाड़ी का या फिर अपना डीएल, पता चला आप ऐसे बोलोगे यार आरटीओ तो आके मेरा डीएल देख ही नहीं रहा है। हाँ वो, लेकिन हमारा तो दो दिन गया ना, वो समझ गया, तो डीएल बनाने में भी तो चार पांच दिन लगेगा, वो तो है, दो तीन बार जाएंगे बोलेंगे आरटीओ यार हमें बार बार बुला रहा है, हमारा डीएल तो कभी चेक ही नहीं हो रहा है। आप भी साथ ही, सारी व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है, जिम जाने वाले हैं, क्या बात है। हाँ जी, गुड़गांव से आए हम सारे। अरे वाह, बिल्कुल सारे। हाँ जी, ना तो रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आई है, ना शाम को भी रहने की व्यवस्था, ये कह रहे कि ठंड ज्यादा थी, व्यवस्था नहीं थी, सब व्यवस्था है अगर ढूंढे तो ढंग से। अगर क्या बात, हम जब सोए कोई ठंड का नहीं है, सुबह सुबह गर्म पानी भी मिल रहा है, वॉशरूम भी बिल्कुल साफ है, दर्शन भी अच्छे से हो। एक बड़े लोग महंगाई के लिए बोल रहे हैं, उसमें कुछ अब जब इतने ऊपर अगर सामान आएगा वो लेके आ रहे तो महंगाई तो अपने आप। ये बड़ी सही बात है, बुद्धि विवेक से अगर आप सोचोगे, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट का रेट है 2600-3200 रुपए एक खच्चर का, सोचेगा आप उस खच्चर में अगर माल आ रहा है, यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं, मान के चलो वो सुविधा की जगह नहीं है, सारा सामान वैसे ही आ रहा है हाथों से आ रहा है, तो भाई महंगाई तो बनती है, पर कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। मैं बता तो रहा हूँ, कोई आप अगर पिज्जा डोमिनोज कहीं जाते हैं वहाँ तो आप नहीं बोलते 1000-1200 रुपए का एक छोटा सा पिज्जा। मसूरी आप चले जाओ, शिमला चले जाओ, उसके भी कम रेट है, ये बिल्कुल कम रेट है वहाँ से, बिल्कुल सही बात। खाने के भी, बाकी सारी चीजों के, और मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, उनके भी रेट बहुत कम है। अभी हमने एक स्प्रे लिया, 130 प्रिंट थी, 180 का मिला, इतनी ऊपर 22 किलोमीटर आ रहा है, वो जायज है, बनता ही है ना, बिल्कुल अच्छा टाइम रहा। कैंप मिल रहे हैं 300 के भी मिल रहे हैं, 1000 रुपए परसेंट भी मिल रहे हैं, उसमें खाना दे रहे हो 1000 रुपए परसेंट में, सारी फैसिलिटीज मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा, देखिएगा ऐसा भी है, और ये इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि इधर आओ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम, इधर आओ, गौरीकुंड जा रहे हैं। हाँ जी, तुम्हारा सत्यापन हो गया? हाँ जी, हो गया जी। हाँ, हो गया जी। कितने लोग हैं तुम लोग? 4-5 लोग। कितना लेते हो तुम इस पे कंडी पे? वो वेट को देखिए, वेट कैसे बढ़ते हैं? अब तो लाया नहीं जी। ये देखो ताई जी आई है थक थक के, ताई जी ने देखो चप्पल में वो भी लगा रखा है, प्रणाम जी। ताई जी थक गए? थकी तो गई, पैसा अच्छी से देना जी। हाँ चलो, अच्छे से दर्शन करो। तो चलिएगा, ये तमाम चीजें हम देखते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है। ये देखो एक छोटी सी गुड़िया भी है। बेटा ठंडा तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ से आए हो? कानपुर से। कानपुर से, क्या बात है, कैसा रहा मैम दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलिएगा आपसे भी जुड़ेंगे कुछ और इश्यूज को लेके, इश्यूज ऐसे जो पब्लिक के हित में हो, जिस पर थोड़ा सा काम किया जाए तो इस धाम को और बढ़िया और बेहतर बनाया जा सके हर किसी के लिए, तमाम चीजों पर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।